क्या बिना हारमोनियम के, ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक वाद्य यंत्र है जो आपने अक्सर संगीतकारों के पास देखा होगा, तो क्या बिना हारमोनियम के संगीत सीखा जा सकता है? क्या हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हारमोनियम नहीं है, तो भी हम म्यूज़िक में लेसन्स जो है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? और इनिशियल स्टार्टिंग जो डेज होते हैं उसमें अगर हम हारमोनियम नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है, तो भी हम क्या रियाज़ कर सकते हैं? तो आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और जानिए क्या ये चीज़ मुमकिन है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मेरा मजहब इश्क है और तू है मेरी बंदगी। इश्क ने छोटा सा एक गीत है, थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है, जो कि मैंने ही लिखा है और मेरे ही द्वारा कंपोज किया गया है। और जल्द आप इस चैनल पे इसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ और एक अच्छे से रूप में इसे सुनेंगे। तो खैर, हम जो आज का टॉपिक है उस पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या बिना हारमोनियम के भी रियाज किया जा सकता है या फिर संगीत सीखा जा सकता है। देखिए, हारमोनियम का जो रोल है वो इंडियन क्लासिकल में वैसे तो काफ़ी है, लेकिन क्या होता है जब हम सीखने जाते हैं तो हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो प्रेफर नहीं करते हैं कि हम हारमोनियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि हारमोनियम कहीं ना कहीं माना जाता है एक बैसाखी की तरह आपका बन जाता है, और कहीं ना कहीं आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका स्वर का जो लगाने की अभ्यास है, स्वर लगाने का जो अभ्यास है, वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आप स्वर को पहचान नहीं पाते, ऐसा माना जाता है। ऐसा सब लोगों का कुछ का एक्सपीरियंसेस है, तो कुछ की थ्योरीज नहीं है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। मगर मेरे पिता गुरु ने इसका यूज़ क्लासिकल में थोड़ा एक्स्ट्रा कर इसके द्वारा संगीत सिखाने की कोशिश की गई है। एक वीडियो मैंने पहले भी दिया था कि जब आप अपने गुरु के पास नहीं हैं या फिर क्लास नहीं जा रहे हैं, तो रियाज़ अगर आप करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा एक वाद्य है और बड़ा आसान वाद्य है, ये समझ लीजिए, जिसको आप सीख भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं, और इसके द्वारा स्वर का रियाज़ कर सकते हैं, स्वर को समझ सकते हैं, स्वर की ऊँचाई नीचाई समझ सकते हैं। तो एक बेहतरीन उपयोग हो सकता है हारमोनियम का। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में एक बार सीखना शुरू करना है और अभी उनको चेक करना है कि क्या वो सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, तो वो इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट खरीदें। तो उनके लिए ये है कि हमारे जो लेसन्स हैं वो वैसे भी शुरुआती दौर में हारमोनियम के नहीं ही होते हैं, क्योंकि हमने हमेशा ये चीज़ कही है वीडियोस में भी कि संगीत सीखने की शुरुआत लय से होनी चाहिए, लय ताल स्पीड से होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान, हमारा जो विद्यार्थी है, वो लय में मजबूत है तो ही वो संगीत में आगे कुछ कर सकता है, वगरना उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना लय के बेताला बेकार है। कहते हैं कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता है। बेलय में अगर कोई है, यानी लय में नहीं है कोई, वो नहीं चलता है, बेसुरा फिर भी चल जाएगा, क्योंकि स्वर का जो ज्ञान है वो बहुत कम लोगों को है। ये मान लीजिए कि आप कोई गाना गा रहे हैं, आपने फलां कोई गाना गाया किसी ऐसे के सामने जो संगीत को नहीं जानता है,
उसको स्वर का उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो लाइन का मीटर है अगर आपने कहीं ऊपर नीचे कर दिया, कहीं रुकावट ज़्यादा कर दी, गैप ज़्यादा दे दिए, तो उसको मालूम चल जाएगा क्योंकि उसने ओरिजिनल सुना हुआ है। तो कहीं ना कहीं गाने की लय जो है हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन स्वर उतने नहीं बैठते हैं क्योंकि स्वर संगीत में सीखने से आते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं स्टार्टिंग लेसन्स जो हैं वो लय के होने चाहिए, तो तब आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है हारमोनियम की। और उसके बाद भी अगर आप रियाज की बात करते हैं इनिशियल डेज में, अगर आप बोलें कि स्वर का रियाज आपको करना है, वो भी तानपुरे के साथ हो सकता है। मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं उसके लिए, हमारे वीडियोस हमने बना रखे हैं जिसके साथ में आप रियाज कर सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट है। इनिशियल डेज में आपको हारमोनियम की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ धीरे धीरे स्वरों को समझने के लिए, स्केल्स को समझने के लिए, थाट अलग अलग समझने के लिए हारमोनियम की तो आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिना इसके एकदम ही इस पर डिपेंडेंट होकर सीखना है, नहीं, हमें इसको भी त्यागना ही होता है एक पॉइंट पर आने के बाद, हमें बिना हारमोनियम के ही गाना है। लेकिन शुरुआत में आप हारमोनियम का इस्तेमाल करें जो बिगिनियर स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी बेहतर होगा, उनको स्वर का ज्ञान हो जाएगा। मान लीजिए आप गुरुजी है ही नहीं आपके सामने, आप क्लास में बैठे ही नहीं हो, तो आप स्वर गलत प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसीलिए ये एक चीज़ होती है। सुनने से बहुत कुछ आता है, अगर आप स्वर सुनेंगे तो स्वर दिमाग में बैठेंगे, लय सुनेंगे तो लय दिमाग में बैठेगी। सुनने के लिए सबसे बेहतरीन आपको हारमोनियम लगता है। हाँ, मानता हूँ मैं कि सारंगी, वायलिन, इनमें जितनी श्रुतियों की एक्यूरेसी है उतनी इसमें नहीं होती है, लेकिन इनिशियल डेज में तो ये काम आ ही सकता है ना। आप एकदम, मैं आगे की बात करूँ तो उसके बाद तो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, फिर स्वर जो है वो आप में से उपजता है, तब आप खुद समझ जाते हैं स्वर को कि स्वर का मापदंड क्या है, कितना ऊंचा नीचा है, है ना। तो हमेशा इस पर नहीं रहना है और हमेशा तानपुरे पर भी नहीं रहना है। सर्वोपरि तो शास्त्रीय गायन है, है ना, सर्वोपरि हमेशा गायन रहा है, वादन नहीं। कोई भी वाद्य यंत्र आपका आपके अधीन है ना, आप उसके अधीन नहीं कि भाई मैं तो तानपुरा नहीं होगा तो मैं कैसे गाऊंगा या ये नहीं होगा तो नहीं। वो स्वर आपके यहाँ होना चाहिए कि आपका स्वर कौन सा है, मगर हाँ इनिशियल डेज में हारमोनियम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एकदम सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम मतलब शुरुआत अगर कर रहे हो तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लय का लेसन है, तानपुरे के साथ आप रियाज कीजिए, हमारे वीडियोज़ के साथ रियाज कीजिए, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके बाद हारमोनियम तो आपको खरीदना पड़ेगा, और अच्छा वाला खरीदिए। अगर एक बार परचेज कर रहे हैं तो अच्छा ही, आप 15-20 हज़ार का खर्च कीजिए और एक बार में अच्छा लीजिए। कोई छोटा मोटा 10 हज़ार का, 9 हज़ार के जो हारमोनियम आते हैं वो गायकी के लिए नहीं है, सिर्फ हाँ वो हाथ चलाने के हिसाब से। 10-12 हज़ार में भी अच्छा आ जाएगा, पर 15 हज़ार तक अगर आप जाते हैं तो अच्छी रेंज में आपको अच्छा हारमोनियम मिलता है। ठीक है, तो हाँ मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है इसका कि हारमोनियम सीखना ज़रूरी है या नहीं है या इसके बगैर हो नहीं सकता, मगर हाँ ऑल इन ऑल ये इसका जवाब है। ठीक है, तो देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोस को, हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स लाते रहेंगे और कुछ ना कुछ गीत, गज़ल, भजन हम बनाते रहेंगे नए, क्योंकि संगीत में नयापन ज़रूरी है ना। तो ऐसे ही देखते रहें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब द चैनल।